नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एसपी में। बिहार में 3 लाख संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, बिहार सरकार ने दे दिया है दिवाली से पहले नियमितीकरण का तोहफा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नहीं हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वे लाइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, बिहार के संविदा कर्मचारियों से जुड़ी कोई भी खबर होगी वह सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। तो बिहार में लंबे समय से बिहार के संविदा कर्मचारियों को इंतज़ार था कि दिवाली कब नज़दीक आए और आप सभी संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू हो। फाइनली वह घड़ी आ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यह फैसला ले लिया गया है, जिसमें साफ जाहिर होता है कि बिहार में 3 लाख संविदा कर्मचारियों को बिहार सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जा रही है। जी हां, अगर आप बिहार में संविदा पर कार्य करते हैं और आपका अनुभव बिहार में 9 साल का हो चुका है तो अब बिहार सरकार आप सभी को जो है दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आप सभी का नियमितीकरण आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस महीने का मानदेय भी आप सभी को बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि संविदा कर्मचारियों की जो मानदेय आएगी वह 30 अक्टूबर तक आप सभी संविदा कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। साथ ही साथ इस बार 7,000 रुपये का दिवाली बोनस भी आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अगर संविदा पर कार्य करते होंगे तो आप लोगों को भी दिवाली बोनस का इंतज़ार होगा और आप सभी के खाते में 30 अक्टूबर तक दिवाली बोनस बिहार सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। बिहार के जितने भी संविदा कर्मचारी कार्य करते हैं उन सभी के नियमितीकरण पे भी मुहर लगेगी। जिनका अनुभव वही 9 साल या 10 साल से कम का है उन सभी संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। सभी को एक सम्मानजनक मानदेय देने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। इस दिवाली पर सभी को खुशियों से दिवाली मनाए, इसलिए बिहार सरकार सभी के हित में यह फैसला ले रही है और बहुत जल्द आप सभी के खाते में भी राशि भेज दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।